आज मैं आपको मिलाती हूँ दिवाली की सफाइयाँ, पूरे साल कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस या इनफैक्ट जो खाने के अंदर सुसरी लग जाती है उसको फाइट करने के लिए 6 हथियार, और जो जानलेवा भी नहीं है। जैसे कई लोगों को गलत फहमी होती है कि इनको यूज़ करने से इट्स डेंजरस टू हेल्थ और इट्स मतलब लाइफ टेकिंग और डेडली, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू बी केयरफुल विद थिंग्स। इससे पहले कि मैं आपको एक एक का डिटेल समझाऊं, मुझसे बहुत सारे लोग वीडियो देखने के बाद पर्सनली फ़ोन करके या कॉल करके पूछते हैं, पर इट्स वेरी सैड कि यू पीपल सी इट एंड डोंट सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर इट। दिस टाइम इफ़ यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक, इट वॉन्ट कॉस्ट यू एनीथिंग यार। लेट्स बिगिन। ये गोलियाँ सबको ही मालूम है, फिनाइल की गोलियाँ। ये जब भी आपके एक्सपेंसिव क्लोथ्स होते हैं या कोई भी नए कपड़े होते हैं, जब आप उनको वॉश करते हैं, तो दिवाली में जब दिवाली में क्या होता है ना, कपड़ों में सीलन वगैरह जो लग जाती है, उनको एक बार आप सन दिखा के, सारे अगर धोए ना तो भी सूरज की कड़क धूप दिखा के वापस अलमारी जमाएं, तो ये गोलियाँ नीचे डाल दें और इस तरीके से डालें कि वो रोल होकर बाहर ना आए। गर्म कपड़ों के बीच में डालते हैं, जो बेड्स जो शेटी पलंग होते हैं, जो बेड्स नीचे से ड्रॉर होता है जिनके अंदर, उनके अंदर ये डाल के रखिए। कभी भी कपड़ों में चित्री नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपके कपड़े मिट्टी वाले, आप बारिश से पहले जिनमें मिट्टी लगी और उनको रख देते हैं, जैसे इस टाइम तीन महीने बारिश नहीं आई, तो उन कपड़ों में चित्री लग जाती है और वो चित्री के दाग भी नहीं जाते। यू हैव टू बी क्लीन। ये चीज़ें भी तभी काम आती है जब अल्टीमेटली यू आर क्लीन। डर्ट पे ये भी काम नहीं करेंगी। ये गोलियाँ बहुत यूज़फुल हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन अलमारियों में आप रख सकते हैं। बच्चे इसको इनहेल ना करें, इसके लिए इतने केयरफुल रहें कि या तो किसी कपड़े में बांधकर पोटली जैसे रख दें, तो बच्चे के डबल ट्रिबल नॉट मार दें ताकि उससे खुले ना, और ये कुछ टाइम बाद अपने आप वो हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, हवा में घुल जाती हैं। लेकिन फिर भी बच्चों से सेफ्टी के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इनको किसी ट्रांस मतलब जैसे छन्नी जैसा कपड़ा होता है ना, उसके अंदर बांध के 2-3 नॉट बांध करके, गलती से कभी बाहर आ जाएं तो भी रिस्क ना। यह है कपूर। ये बड़ी काम की चीज़ होती है, सिंथेसाइज वो भी मिलता है, टिकिया वाला भी मिलता है। ये देसी कपूर है। देसी कपूर जादू ही होता है। मेरी तो आदत है इसको मतलब महीने में एक आध बार या जब याद आ जाए तो इसकी टिकिया तोड़कर बेड के नीचे डाल देने की या उन कॉर्नर्स पे डाल देने की जो झाड़ू में निकल के, ये इसकी स्मेल भी हवा में घुलती रहती है। ये डेंगू के मच्छर क्या, वैसे भी ये हेल्थ के लिए ये एयर फ्रेशनिंग एजेंट जैसा काम करता है। जैसे आपकी किसी खाने की चीज़ में ये, और ये वो भी नहीं होता है, पॉइजनस भी नहीं होता है, जैसे गेहूँ में या शक्कर में अगर चींटियाँ घुस जाए तो कपूर थोड़ी देर के लिए उसमें रख दीजिए, आधे एक घंटे बाद थोड़ी देर आ देखेंगे चींटियाँ वगैरह उसमें से भाग जाती हैं। लेकिन अगर आप बंद कंटेनर में इसको डाल के रखो तो खाने की चीज़ में भी इसकी हल्की सी स्मेल आ जाती है, इसलिए जब वो चींटियाँ वगैरह चली जाए, जैसे शक्कर फेंकने के बजाय चींटियाँ, जिस चीज़ में चींटियाँ चले जाए कपूर डाल दीजिए, थोड़ी देर के लिए चींटियाँ भाग जाती हैं। और जहाँ पे चींटियाँ आ गई हो वहाँ भी इसको आप डाल दीजिए, बेड के नीचे ऐसे भी डाल के रख सकते हैं, एयर फ्रेशनिंग का काम करेगा ये। घर में वैसे भी इसीलिए पुराने ज़माने में इसको थाली में जलाया जाता था कि इसकी जो वो होती है जलकर भी जो धुआं करता है उससे सफाई होती है, इट्स वो क्लीनिंग और फ्रेशनिंग एजेंट है कपूर। खाने की चीज़ में आप इसको यूज़ करके देखिए कि जहाँ पे अगर चींटियाँ आ गई है और आप कोई पॉइजनस चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हो तो इस कपूर के टुकड़े को डाल के देखिए। उसके बाद ये पारक टिक्की, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, दाल चावल उसके अंदर ये टिकिया मतलब 1 किलो दाल में 1-2 डाल दीजिए। लेकिन जब आप दाल यूज़ करने के लिए निकालते तो ध्यान से उनको वापस बर्नी में डाल दीजिए, इसमें नहीं उसी दाल में, हमारे यहाँ सब चीज़ों में। इनफैक्ट ड्राई फ्रूट जो होता है, ड्राई फ्रूट के बॉक्सेस होते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि उनमें वो छोटी छोटी वो आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं या इल्लियाँ लग जाती हैं बारिश में, तो ड्राई फ्रूट के अंदर भी अगर आप जब ड्राई फ्रूट भरते हैं तो उनके नीचे अगर ये एक एक पारक टिक्की रख देंगे ना, तो सुसरी और इल्ली नहीं आती है उसमें। चाहे आप ये सब यूज़ कीजिए, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बारिश के बाद चीज़ों को धूप दिखाएं, दैट इज़ मस्ट अगर आपको एकदम क्लीन और फ्रेश हाउस चाहिए। उसके बाद ये लक्ष्मण रेखा, ये तो जादुई चीज़ है और ये लाइफ टेकिंग भी नहीं, इट्स नॉट एट ऑल रिस्की। जो दरवाजे के कोने होते हैं, अलमारियाँ जहाँ बंद होती हैं, हिंजेस पे या डाइनिंग टेबल
टेबल्स के नीचे या होल्स, जहाँ भी ये टच ना होती इसको लगा दीजिए, सच में चींटियाँ नहीं आती और कॉकरोच जो गैस, मैं आपको दिखाऊँ अभी, मैं आपको पूरा रूम घर घूम के इनका दिखाती हूँ कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं, मतलब इट्स आई विल से इट्स मैजिकल, मतलब इतना सिंपल सॉल्यूशन है ये चींटियों और उसका जहाँ चाहे यूज़। अब हो गया ये स्प्रेज, दीमक की प्रॉब्लम बहुत लोगों के, हमारे यहाँ सालों पहले जब फर्नीचर बनाया था तो वो टर्माइट प्रूफ नहीं बना था जो कमरा, वो भी आज तक सेफ है क्योंकि हम हर दिवाली पे पहले उसको वाइप कर देते हैं गीले सूखे से और फिर उसके बाद ये मारने के बाद 15-20 मिनट के लिए उस ड्रॉर को, अलमारी को बंद कर देते हैं ताकि लकड़ी इसको एब्जॉर्ब कर ले स्प्रे को। और यकीन जानिए फिर उसको सूखे कपड़े से कि अगर थोड़ा बहुत कहीं रह गया और दीमक हो तो भी मर जाती है और फ्यूचर में लगती भी नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन, कोई भी स्प्रे मार दीजिए आप अपने फर्नीचर के अंदर साल में एक बार। DDT ये बहुत रिस्की होता है, तो इसको मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ अभी मैं आपको पूरे घर का राउंड लगा के बताती हूँ। ये जैसे हम जो चीज़ें बिछाते हैं, मैंने एक वीडियो डाली थी कि जो डाइनिंग टेबल के पुराने कवर्स हैं उनके अंदर कागज़ स्टेपल करके लगाइए, बहुत स्टेबल रहते हैं और सालों साल खराब नहीं। उनके नीचे DDT और लक्ष्मण रेखा डालिए, चींटियाँ घुसेंगी ही नहीं। इनफैक्ट खाने की चीज़ें भी हमारी जहाँ रखी वो इतना, ये इसको यूज़ करने का तरीका, DDT पाउडर ऐसे हाथ लगाओ यूज़ करो, किसी भी शीशी के अंदर ऐसे होल्स कर लीजिए और फिर स्प्रिंकल करिए तो ये थोड़ा सेफ हो जाता है और इधर उधर नहीं जाता, जहाँ डालना है वहीं जाता है। अब मैं आपको इनको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे यूज़ है। इनको यूज़ कीजिए, इन चीज़ों को, उसके बाद आप देखिए कि चींटी कॉकरोच आते हैं क्या, एंड डू यूज़ देम, डू ट्राई देम। ये देखिए मैं आपको इसमें लाइव पारस, जो पारस टिक्की है उसका यूज़ बता रही हूँ। ये ड्राई फ्रूट के डब्बे के अंदर आपको कहीं वो टिक्कियाँ नहीं दिख रही है लेकिन वो इसके अंदर डली हुई है, और पूरी बारिश के अंदर डेफिनेटली थोड़ी सॉफ्टनेस चीज़ों में आ जाती है लेकिन वो जो छोटी छोटी इल्लियाँ और सुसरी है वो इशू कभी नहीं आता अगर आपने टिक्कियाँ डाली हुई हो। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये काजू के नीचे ये डली हुई है टिक्की, इसको ऐसे करके कवर कर दीजिए क्योंकि खाने वाला डरे ना। ये देखिए ये पिस्ते के नीचे, ये दौर से देखिए ये डली, ये टिकिया, ये ऐसे एक दो टिकिया नीचे की साइड ताकि खाने वाला भी ये ना समझे कि क्या डाल, ये इसके नीचे भी डली हुई है। ये देखिए गौर से देखिए इस तरीके से इनको डाल के रख दीजिए। ट्रस्ट मी वो जो इशू होता है सुसु का ड्राई फ्रूट में वगैरह, क्योंकि एग्जैक्टली दीज आर नॉट एयर टाइट बॉक्सेस, ये डाल के देखिए इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑफ दैट फूड इंसेक्ट्स। ये देखिए डाइनिंग हॉल जब सफाई की बात चली तो मैं आपको जनरली स्प्रे का और यूज़ बता दूँ। ये स्प्रे मज़ेदार तो वहाँ काम करता है कि अपनी अलमारी को खाली कीजिए, उसके अंदर पेपर बिछाइए, नीचे DDT लक्ष्मण उस वो बिछाने के पहले स्प्रे को मार के 15 मिनट अलमारी बंद कर ली तो दीमक मर जाएगा। और मॉस्किटोज़ के लिए भी ये बहुत बढ़िया कि किसी भी रूम में आप जब लगे कि मच्छर ज़्यादा परेशान करने लग गए तो इसको कॉर्नर्स में स्प्रे कर दीजिए और रूम को चाहे तो बंद कीजिए क्योंकि कई लोगों का सिर भारी हो जाता है इनकी खुशबू से। इस तरीके से अपने घर सोफों के किसी के भी कॉर्नर्स को इनको मार दीजिए और रूम को कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए या वहाँ से आप हट जाइए। फिर देखिए मच्छर कैसे कम होते हैं, जिस भी रूम में ज़्यादा हो वहाँ ये मॉस्किटोज़ का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि होम क्लीनिंग वालों को बुलाना है, पूरा दिन वेस्ट करना है। रेखा यूज़ करने का बेस्ट तरीका क्या है जहाँ वो ज़्यादा दिन तक स्टेबल रहे, ये जैसे दरवाजे के कॉर्नर्स है इनके अंदर यूँ करके लगा दी, ये दीवारों के कॉर्नर जहाँ वो दिखे भी ना, और ये इस तरीके से सब कॉर्नर्स पे लगा दी। अलमारी जैसे दरवाजे के कॉर्नर्स पे लगाया, जो अलमारीज हैं इनफैक्ट खाने की भी जो अलमारी होती चीज़ों की अलमारी उनके हिंजेस जिसको बोलते हैं जोड़ नीचे चीज़ों के नीचे कुर्सियों वहाँ लगा दीजिए, सेफ भी रहते हैं और कॉकरोच चींटी भी भाग जाते। कपूर का यूज़ देखिए, ये मैंने कपूर की टिकिया तोड़ी है, इट्स वेरी सेफ, इसकी खुशबू भी अच्छी लगती है, फ्रेशनिंग। ये मैंने ऐसे टुकड़ा तोड़ा और ये ऐसे इनके नीचे डाल दीजिए और ये बहुत दिन तक खुशबू देते रहते हैं और वो डेंगू और इन सब के लिए अच्छे। ऐसे टुकड़े तोड़िए और कॉर्नर्स में नीचे सब जगह डाल दीजिए, बेड के नीचे चद्दर के नीचे, इनकी खुशबू भी आती रहती है और चींटियाँ वगैरह भी नहीं चढ़ती। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।